गोरखपुर के खोरावार थाना क्षेत्र में हुआ बड़ा हादसा। प्रधान ने गाड़ी सीखने के दौरान 7 बच्चों को रौंदा, घायल बच्चों का जिला अस्पताल में चल रहा इलाज, एक की हालत गंभीर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग ऑफिसर का 5 दिवसीय प्रशिक्षण का एनेक्सी भवन के सभागार में हुआ शुभारंभ। लोकसभा चुनाव की बारीकियों की दी गई जानकारी। जनसमर्पण पार्टी का हुआ गठन। राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक चंद ने कहा, 3 मुद्दों को लेकर पार्टी का हुआ है गठन। लोकसभा चुनाव में 10 सीटों पर लड़ेंगे यूपी में चुनाव। नगर निगम के द्वारा बेतियाहाता चौराहे पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर करवाया गया खाली। अपर नगर आयुक्त ने कहा, अवैध अतिक्रमण से यातायात व पब्लिक को होती है समस्या, अभियान चलाकर करवाया जा रहा है खाली। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण दिवस के अवसर पर राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में खेलकूद प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बच्चों ने दिखाई अपनी अपनी प्रतिभा। एसपी ट्रैफिक श्यामदेव बिंद ने शहर के प्रमुख चौराहों का निरीक्षण कर यातायात व्यवस्था का लिया जायजा। चौराहों पर लगे यातायात पुलिस कर्मियों को यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए दिए आवश्यक दिशा निर्देश। साइबर सेल टीम द्वारा साइबर क्राइम के शिकार होने के बचाव के लिए स्कूल कॉलेज में जाकर लगातार चलाया जा रहा जागरूकता अभियान। लोगों को साइबर अपराध से बचने के बताए जा रहे हैं तरीके। गोरखपुर महानगर को जाम से निजात दिलाने के लिए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर द्वारा शहर के प्रमुख चौराहों सहित मेडिकल कॉलेज चौराहे का किया गया निरीक्षण। संबंधित विभाग के अधिकारी व कर्मचारीगण को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। एसपी ट्रैफिक श्यामदेव बिंद द्वारा यातायात चौराहे पर खड़े होकर दोपहिया व चार पहिया वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए किया गया जागरूक। बाई लेन खाली रखने की दी गई नसीहत।